भारत 12 जनवरी सन 1863 की वह गुलामी की रात, जिस रात भारत के महानगर कलकत्ता में जन्म लिया एक महापुरुष ने, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त व माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इन्हें बचपन से ही पढ़ना लिखना और दूसरों को प्यार बांटना बहुत पसंद था। एक समय की बात है, जब स्वामी जी पुस्तकालय गए, खुश रहो, बैठो बेटे। जी गुरुजी। गुरुजी ये पुस्तक। बेटा नरेंद्र, तुम पुस्तकालय से प्रतिदिन एक पुस्तक ले जाते हो और उसी पुस्तक को दूसरे दिन ले आते हो। तुम अपने घर पर इन सबको पढ़ने के लिए ले जाते या फिर इनको देखने के लिए? नहीं गुरुजी, मैं पुस्तक पढ़ने के लिए ले जाता हूँ। बताओ तो नरेंद्र, पृष्ठ क्रमांक 273 पर किसके बारे में लिखा हुआ है? गुरुजी, पृष्ठ क्रमांक 273 पर यह लिखा गया है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। शाबाश बेटे, तो क्या तुम गायत्री मंत्र सुना सकते हो? जी गुरुजी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नरेंद्र, तुम तो काफी विद्वानशाली बालक हो, तुम्हें तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। बेटा, तुम्हारी गुरुकुल यात्रा मंगलमय हो, मेरी सदा खुशियां और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। बेटा, एक कुंजी तुम्हारी सफलता की कुंजी है। बेटा, तुम्हें इसको अपने प्राणों से ज्यादा चाहना है। ये तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतों में काम आएगी। तुम यहाँ से कहीं भी जाओगे तो ये तुम्हारा साथ देगी। ए लो। जी गुरुजी, मैं इस किताब को अपने सारे जीवन भर साथ रखूंगा। मैं जहाँ भी जाऊंगा ये किताब भी लेकर जाऊंगा। आज्ञा दें गुरुजी। इस प्रकार इन्होंने गुरुकुल की ओर प्रस्थान किया। इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षियमामृता। सन 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्हें भारत का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू शिकागो। क्लैप। आई हैव अ कमेंट अबाउट द एड्रेस ऑफ इंडियन। But anyway, welcome to Swami Vivekanand from India.
और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्थितियां बचा कर रखी हैं, जिनके मंदिरों को रोमियों ने तोड़ फोड़ कर खंडर बना दिया। और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी देशों के अवशेषों को शरण दी और अभी भी मैं उन्हें बढ़ावा दे रहा हूँ। भाई और बहनों, मैं आपको श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है, जो करोड़ों व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन दोहराया जाता है। जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले ही सीधे साधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते। अब आपके लिए कुछ अच्छे आचरण। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है और मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। उन्होंने अपने जीवन में योग को बहुत महत्व दिया, इसलिए इनका जन्मदिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।